नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासत बेहद गर्म है। पहले अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप और अब कन्नौज में छेड़छाड़ में फिर एक समाजवादी नेता का नाम सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। सीएम योगी से सीधे सीधे सीएम योगी ने आज कहा है कि समाजवादी जो है उनका ही नाम अपराधों में क्यों आता है। सीएम योगी से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी तक ने खुलेआम यूपी के अपराधियों से समाजवादी का नाता जोड़ दिया है। बीजेपी की ओर से सवाल पूछा जा रहा है कि महिला अपराधों में समाजवादियों का ही नाम सामने क्यों आता है। सुधांशु तो इसे दो लड़कों की जोड़ी से जोड़कर सियासी संबंध बनाने में जुट गए हैं। बड़ा सवाल है, क्या एक कोरी सियासत है या वाकई समाजवादियों का अपराधियों से गहरा नाता वाला नरेटिव इसमें कोई सच्चाई है। हालांकि इस बीच समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी का कहना है कि पहले सपा में थे लेकिन पिछले कई सालों से बाहर हैं और कन्नौज के बीजेपी नेताओं के साथ उनके नजदीकी संबंध बने हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने नार्को टेस्ट की मांग करके माहौल को और बिगाड़ दिया है। वैसे नवाब के हिस्ट्री की बात की जाए तो एक जमाने में नवाब सिंह यादव को जानने वाले लोग उन्हें सपा का कद्दावर नेता और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का करीबी मानते रहे हैं। सपा शासन के दौरान सत्ता गलियारों में नवाब सिंह यादव की काफी धमक थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान तिरुवा विधानसभा सीट से टिकट की मांग पूरी नहीं होने पर खेमेबंदी शुरू हो गई। दोनों पक्षों में खटास तब और बढ़ गई थी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से डिंपल यादव चुनाव हार गईं। तब अंदर खाने नवाब सिंह यादव पर ही पार्टी ने ठीकरा फोड़ा था। लेकिन हाल ही में जब नवाब सिंह यादव की माताजी का निधन हुआ तो अखिलेश ने दुख जाहिर करने वाला ट्वीट किया था। अब दुख की इस घड़ी को पकड़कर बीजेपी ने सियासत की डोर को तान दिया है। बड़ा सवाल यह है, क्या 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले ऐसे ही मुद्दों से सुलझेगी यूपी की सियासत, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। देखिए, समाज को बेहतर से बेहतर करने की फिक्र करनी चाहिए और किसी पर गलत जो है वो इल्ज़ामात लगा कर के और किसी के पॉलिटिकल कैरियर को या किसी को वो नहीं करना चाहिए। और इधर जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने, पीडीए ने, अखिलेश जी ने जो उत्तर प्रदेश में लोगों के दरमियान उनका भरोसा जीता है और मुद्दों को सरकार के जो सरकार जिन कामों को नहीं कर पा रही थी और आवाम और जनता जिन मुद्दों के हल के लिए जिन के लिए राहें ढूंढ रही थी, अखिलेश जी ने, पीडीए ने और इंडिया गठबंधन ने इन लोगों मिल करके आवाम को ये भरोसा, ये उम्मीद दिलाई कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनके मसाइल का हल करेंगे। उसकी वजह से बहुत से लोगों को जिनसे जनता नाराज़ थी उन्होंने ये वतीरा अपनाया है कि समाज की कहीं भी कोई भी घटना हो उसका पॉलिटिकल किरण करके और एक ख़ास पार्टी को, समाजवादी पार्टी को जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसको निशाना बनाए जाने की। उन्होंने पहले दिन ही 2017 में यहाँ पर सरकार ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। और तब से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। आज परिणाम क्या है, उत्तर प्रदेश इन सभी कार्यों के लिए जाना जा रहा है, हर कार्य में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस समय जो लोग स्वयं तो कर नहीं सकते थे, लेकिन आज उन्हें इस बात का मलाल रहता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ये सरकार कैसे कर दे रही है। इसके लिए अपने उस गिरोह को आगे करके किसी न किसी प्रकार से अफवाह पैदा करना,
समाज में अनावश्यक रूप से एक माहौल खराब करने का प्रयास करना है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो दो लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे दो लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये दो लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुख की बात यह है कि इस प्रकार के विषय पर, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो, वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात पंथ मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही है। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ, तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ, ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासक। खड़े कर देने वाली है, पहले अयोध्या में एक नाबालिग के साथ रेप कांड और अब कन्नौज में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं, उसने यूपी की सियासत को गर्मा दिया है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बार बार बीजेपी एक ही सवाल पूछ रही है कि महिला अपराधों में, नाबालिग बच्चियों के साथ घटनाओं में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम क्यों आ रहा है। अब ये महज संयोग है या कोई प्रयोग है, समाजवादी पार्टी बार बार इनकार कर रही है कि ये हमारे नेता नहीं हैं। अयोध्या में जिस नेता पर आरोप लगे थे, मोहित खान पर, उस पर भी समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हमारे नेता नहीं है। और अब जब कन्नौज में एक ऐसा कांड हुआ है, नवाब सिंह यादव जो एक कॉलेज चलाते हैं, उस कॉलेज में रात को 2 बजे जो है एक लड़की पुलिस को फोन करती है 112 नंबर डायल करके और ये कहती है कि उसके साथ छेड़खानी हो रही है। छेड़खानी की शिकायत पर पुलिस फौरन पहुंचती है और उसको सामने दिखती है उस लड़की की बुआ और उसके सामने बैठे हुए कॉलेज के प्रबंधक नवाब सिंह यादव। नवाब सिंह यादव पर इल्जाम है कि उन्होंने लड़की से छेड़छाड़ की और बुआ उस लड़की को वहां पर लेके पहुंची थी, 15 साल की नाबालिग लड़की। अब सवाल यह है कि रात को 2 बजे वो बुआ जो है अपनी भतीजी को लेके वहां क्यों पहुंची, ये सवाल पुलिस के जांच का विषय है। लेकिन इसको लेकर राजनीति हो रही है और नवाब सिंह यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं छेड़खानी के आरोप में और जेल भेज दिए गए हैं। और समाजवादी पार्टी कर रही है वो हमारी पार्टी छोड़ चुके हैं, 2018 से अलग हैं, लेकिन बीजेपी बार बार याद दिला रही है कि एक जमाना था जब कन्नौज में नवाब सिंह यादव को डिप्टी सीएम कहा जाता था, क्योंकि कन्नौज में उस समय समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं डिंपल यादव की सीट हुआ करती थी। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या उपचुनाव के चलते इतनी बड़ी सियासत हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी शाही हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष कोटारिया है, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आनंद त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी शाही जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कन्नौज की घटना हुई है, पहले अयोध्या की घटना हुई थी और दोनों ही घटनाओं में समाजवादी पार्टी जुड़े नेताओं का नाम सामने आया है, इसको लेकर सियासत इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, आप लोग क्यों पूरी समाजवादी पार्टी को इस पे लपेट रहे हैं? तो उधर वेट कर रहा। अश्विनी जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। पहले जिस तरह से अयोध्या में कांड होता है, एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है जिसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आता है मोहित खान का, उसके बाद कन्नौज में छेड़छाड़ की घटना होती है, नवाब सिंह यादव का नाम आता है, आप लोग इन दोनों घटनाओं को जो है समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी कह रही है कि इन दोनों नेताओं से हमारा संबंध नहीं है, आप लोग पूरी पार्टी को इसमें क्यों लपेट रहे हैं? हम लोग कहां पार्टी को लपेट रहे हैं, ये तो खुद वो लोग खुद कह रहे हैं। देखिए जूही सिंह का क्या बयान आ रहा, कितना निंदनीय बयान आया कि 12 बजे रात में वो लड़की क्या करने गई थी, वो लोगों ने विक्टिम के ऊपर ही जो है वो करना शुरू कर दिया है।
रविदास मेहरोत्रा जी चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे पार्टी से कोई संबंध ही नहीं है, और 2021 में वो रविदास मेहरोत्रा जी बड़े नेता हैं, कह रहे हैं 5-7 साल से संबंध नहीं है। 2021 में अखिलेश यादव जी एक पत्र लिखते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं कि नवाब सिंह यादव हमारे इतने बड़े नेता हैं। अभी इसी जुलाई में उनके माता जी का कुछ देहांत हो गया था तो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनको वो किया जाता है राजेंद्र चौधरी जी के द्वारा। तो ये तो खुद कह रहे हैं लोग कि वो पार्टी का हमारे सदस्य है, ये बचने के लिए। देखिए हुआ क्या, अयोध्या में जो कांड हुआ मोहित खान का, ये पीडीए इन्होंने बनाया है, तो पीडीए के मोइन खान को नहीं निकाला इन्होंने, कुछ नहीं कहा, डीएनए टेस्ट की मांग कर ली। लेकिन यहां पर वो यादव हैं, हिंदू हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया भैया तुम किनारे रहो, हम मुस्लिम के साथ खड़े हैं, इनसे किनारा कर लिया और सारे कागज चीख चीख कर बोल रहे हैं। तो भाई अगर आपका नेता हो या कोई भी हो बलात्कारी है, अपराधी है, आरोपी है, आप लोग क्यों इस तरीके की बात कर रहे हो? हम तो तुरंत पुलिस गई, गिरफ्तार करके ले आए, अब न्याय संगत उनके साथ काम होगा, जो भी न्यायालय कहेगा, जो भी पुलिस अपना करके देगी उनको। इन लोगों को सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती, गायत्री प्रजापति जब सजायाफ्ता हो जाते हैं तो उनके बचाव में उतरती है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव जी कहते हैं गायत्री प्रजापति के साथ अन्याय हुआ है। ये हैं ये लोग आतंकवादियों को, अब बताइए कोई भूल सकता है? आजम खान साहब ने रमा देवी को सदन में कैसे क्या कहा था, जयप्रदा के अंग अंत वस्त्र वस्त्रों के ऊपर क्या टिप्पणी की थी। इस तरीके की लोग समाजवादी पार्टी में ही हो सकते हैं, क्योंकि ये समाजवादी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। इसीलिए वो अपराधी, अभी चुनाव हुआ कितने दिन हुआ, उसी चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी और बीच में खड़ा था। हमारी हिम्मत नहीं होगी भाई कि हम योगी जी के पीछे जाकर खड़े हो जाएं? कुछ तो रसूख होगा उसका, इन दोनों लड़कों के बीच में जाकर खड़ा था वो, आपने देखा होगा, आया दोनों लड़के हाथ उठाकर खड़े हैं और बीच में वो भी खड़ा है। लेकिन लेकिन अश्विनी साई जी, अश्विनी साई जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि पिछले कई सालों से वो हमसे अलग थे और सुब्रत पाठक के साथ वो जुड़ गए थे, जो कि आप लोग के पूर्व सांसद हैं वहां कन्नौज में, उनके साथ उनका उठना बैठना था। देखिए एकदम कह सकते हैं, कोई उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। कह रहा मैंने रविदास मेहरोत्रा जी का जिक्र किया है और सुब्रत पाठक जी ने आज कई जगह आकर बताया है, भाई वो सांसद थे, कोई इतना रसूख था उसका नवाब सिंह का वहां कि अगर वो ना रहता तो बस्ते नहीं लगते अखिलेश यादव जी के। अखिलेश यादव जी के बाद कन्नौज में दूसरा नेता ही वही था समाजवादी पार्टी का। और मैं आपको इन लोगों की बात कह रहा हूं, 25 जुलाई, प्रिय नवाब सिंह यादव जी, यह समाचार पाकर गहरा दुख हुआ, आपकी परम पूज्य माता जी श्री मूला देवी जी का दिनांक 25 जुलाई को स्वर्गवास हो गया है, इस असहनीय दुख में हम आपके साथ हैं। अखिलेश यादव चिट्ठी लिख रहे हैं, कैसे नकार रहे हैं ये लोग? ये इनका चरित्र है, ये समाजवादियों का चरित्र है, आरोप अभी लगाएंगे इनके ऊपर, उनके ऊपर ये वो। हम सीधा सीधा कह रहे हैं भाई, आपकी नेत्री ने जो कहा है उस लड़की के चरित्र का हनन किया है कि 1 बजे रात में क्या करने गई है। समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता यहाँ हो उसको कहे कि हम क्षमा मांगते हैं, या जूही सिंह ने गलत कहा है। ठीक है, इस अपराधी की तो बात छोड़ी है, वो तो जेल में जेल गया। ठीक है, यश भारती जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, हमारे साथ जुड़े जैनेन्द्र पांडे, जैनेन्द्र पांडे जी आपको आवाज आ रही है? आशीष कटारिया जी, सर आशीष जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला बोला है, दो लड़कों की जोड़ी वाले स्लोगन को अपराध से जोड़ दिया है कि दो लड़कों की जोड़ी आएगी तो अपराधियों को जो है बल मिलेगा और अपराध बढ़ते जाएंगे, और बीजेपी ये भी कह रही है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को थोड़ा फायदा हुआ, थोड़ा सीटें बढ़ गई इंडिया गठबंधन की, और अपराध शुरू हो गए और हर जगह अब समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम आ रहा है, पहले अयोध्या घटना और अब कन्नौज में जो छेड़छाड़ का मामला है। क्या कहिएगा आप लोग, क्या बार बार क्या अपराधियों को इतना हौसला मिला है आप लोगों के जीत से? देखिए यह जो विषय है वह अत्यंत गंभीर है, इस विषय का राजनीतिकरण कदापि नहीं होना चाहिए।
कन्नौज की बेटी के साथ जो हुआ है वह आलोचना के पात्र है और अपराधियों को शीघ्र दंड मिलना चाहिए और दंडित करने का हमारी पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। यह मामला चूंकि एक राजनीतिक दल के नेता से जुड़ा विषय है इसलिए मैं उस राजनीतिक दल के मुखिया के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा, किंतु मुझे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर इतना भरोसा अवश्य है कि यदि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की संज्ञा देते हैं तो उत्तम प्रदेश की कानून व्यवस्था कन्नौज की बेटी को न्याय अवश्य दिलवाएगी। यह मामला है महिला सुरक्षा का, बेटी की आत्मीयता का, उनकी गरिमा का, और जब गरिमा और आत्मीयता की बात आती है तो राजनीतिकरण को कोई स्थान नहीं है। इस ऐसे गंभीर विषय का राजनीतिकरण करना के स्थान पर हम सभी राजनीतिक दलों को कानून और व्यवस्था पर भरोसा रख के पुलिस को आश्वस्त करना चाहिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि जब हाथरस की बेटी के साथ भी अपराध की घटना घटित हुई थी तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी स्वयं उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाने के पश्चात भी उनके घर जाकर उनको हौसला प्रदान किया था। और कन्नौज की बेटी हो, हाथरस की बेटी हो, सभी बेटियां हमारे लिए एक समान है। विषय है महिला सुरक्षा का, विषय है उनकी आत्मीयता का और गरिमा का, फिर चाहे वो राजनीतिक दल बीजेपी का नेता हो, समाजवादी पार्टी का नेता हो या कांग्रेस पार्टी का नेता हो, कानून सभी के लिए समान है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में विश्वास रखते हैं हमारी पार्टी और इसीलिए उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और शीघ्र अति शीघ्र कठोर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण को स्थान नहीं है, नो एनी कॉम्प्रोमाइजेशन, और हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को पूरा समर्थन करते हैं। आशीष जी बीजेपी कह रही है दो लड़कों की जोड़ी, उसमें राहुल गांधी जी भी आते हैं, राहुल गांधी और अखिलेश जी दो लड़कों की जोड़ी के नाम से स्लोगन आया था उसको जोड़ रही है कि दो लड़कों की जोड़ी ताकतवर हुई है तो अपराध बढ़े हैं। देखिए बीजेपी को आक्षेप लगाना है उनको लगाने दो, दो लड़कों की जोड़ी की बात करें जिनको करना है करने दो। मैंने अपना बयान अवश्य दिया है कि जो अपराध करने वाला नेता है वह किसी विशेष राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हुआ है, अतः उनको दंड मिलना चाहिए। इसलिए मैंने इससे पूर्व ही कहा कि अपराध के मामले में हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी कदापि समर्थन नहीं करते, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता हो, बीजेपी का नेता हो या समाजवादी पार्टी का नेता हो, हमारे लिए महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और बीजेपी के लोग ये ना बोले तो अच्छा है राहुल गांधी जी के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने स्वयं बलात्कार का उनके ऊपर भी आक्षेप लगा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया है वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, तो मैं अतीत के पन्ने खोलना नहीं चाहता हूँ, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कानून व्यवस्था में विश्वास करता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और वो दंड के पात्र है। ठीक है आनंद त्रिपाठी साहब, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का ये मामला है, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी दबाव में है और जो 10 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं उसकी वजह से बार बार जो नैरेटिव पेश किए जा रहे हैं, पहले मुस्लिम का नाम आया आरोपी का अयोध्या में, अब यादव आरोपी है कन्नौज में, इसलिए मामले को हाईलाइट किया जा रहा है? नहीं तो क्या इन मामलों को दबा दे उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार, इन मामलों को छोड़ दे? ये मामले हुए हैं ना, ये जो कन्नौज की बात है तो वो तो कैमरे के सामने कुछ स्थितियां नजर आई है ना। ठीक है उस लड़की ने जो आरोप लगाया है वो कैमरे के सामने नहीं आया है, लेकिन जो आरोपी हैं नवाब सिंह जी वो कैमरे के सामने पुलिस की पीसीआर के लोग गए, कैमरा लेकर के गए और वो वहां किस ढंग से अपने उस रूम में थे। कॉलेज में कोई ऐसे रहता है रात को 12 बजे 11 बजे? क्या स्थिति? तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा या सारे राजनीतिक दल या उत्तर प्रदेश के लोग या एनजीओ इस मामले को छोड़ दें? नहीं छोड़ने की बात नहीं हो रही है, बात हाईलाइट करने की हो रही है। अपराध को छोड़ना नहीं है, अपराध तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जिस तरह से उसको हाईलाइट किया जा रहा है उसकी बात हो रही है, उसके पीछे क्या आपको कोई राजनीति है? सरकार और पुलिस तो नहीं कर रही हाईलाइट इसको, इसको तो मीडिया हाईलाइट कर रही है। अगर हाईलाइट होने की बात है और मीडिया चर्चा करेगी, मीडिया का तो काम है। आज जो बयान आए हैं सुधांशु जी का उसमें दो लड़कों की जोड़ी बोला गया है,
उसमें जो है योगी जी का बयान आया है, उसमें बार बार जो है यादव और मुस्लिम आरोपी का नाम बार बार बोला गया, इसके लिहाज से आपसे विश्लेषण चाह रहा हूं। नहीं तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत तो अखिलेश जी ने संसद में कर दी है ना, जो जिस तरीके के उन्होंने बातें कही उससे राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। तो भाजपा जो जो अपोजिशन मतलब उत्तर प्रदेश में जिसको आप कह रहे कमजोर हुई है वो भी राजनीति करेंगे। देखिए इन सब चीजों को मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ से राजनीति से अलग हट करके इस पर शुद्ध तौर पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की बहुत प्रखर प्रवक्ता है, एक महिला है वो, उन्होंने कहा तुरंत कह दिया कि संशय उठा दिया उस 15 साल की लड़की के मतलब कि उसके ऊपर ही संशय उठा दिया और कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब हर चीज में नार्को टेस्ट और पुलिस की तो कोई जरूरत ही नहीं बची, अब मुझे लगता है पुलिस के की कार्यवाहियों की कोई आवश्यकता ही नहीं बची, कोर्ट की आवश्यकता नहीं बची। कितने आसानी से सब लोग अभी वहां पूरी समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है अयोध्या के मसले में, अब यहाँ नार्को टेस्ट की मांग होने लगी। तो ये वो भी तो यही कर रहे हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर समाजवादी पार्टी ने एक लाइन लिया कि वो हमारे सदस्य नहीं है तो वो कह करके चुप हो जाना चाहिए, फिर नार्को टेस्ट की बात क्यों उठाई जाती है? तो अगर वो कह रहे हैं तो उनको कह के ये एक लाइन पकड़ ले, बाकी पुलिस देखेगी अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि क्या हुआ कैसे हुआ। उसमें तो स्थितियां है दिख रही है ना कि एक तरफ तो पल्ला झाड़ रहे कि हमारा, देखिए आनंद जी इस स्थिति से कोई इनकार नहीं कर रहा है, ना समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उसने वो कोई निरापराध है, कोई उनकी सफाई नहीं, लेकिन वो कह रही है इसको हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि यादव है वो। नहीं देखिए ये एक संयोग हो सकता है कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी के जो जिनका नाम आता है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो, और जो कन्नौज में नाम आता है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अब उनकी उनकी धर्म और जाति क्या है ये मेरा मतलब नहीं है, एक ये संयोग हो सकता है, लेकिन इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए कि उनकी धर्म क्या है उनकी जाति क्या है। लेकिन बात तो है कि ये बात तो पक्की है कि ये दोनों लोग ठीक कहीं ना कहीं आज इस पार्टी से जुड़े रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक से कह रही है कि वो हमारे सदस्य नहीं, 5 साल पहले उनको बाहर कर दिया गया था, लेकिन अयोध्या वाले मसले में तो ऐसा नहीं कह रहे हैं वो। वहां तो सब समाजवादी पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व के हर व्यक्ति ने कहा डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, डीएनए टेस्ट किस बात का कराना चाह रहे हैं? क्या वो जो लड़की प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी का तो डीएनए टेस्ट होगा? क्या डीएनए टेस्ट हो जाने के बाद ये साबित खत्म हो जाएगा कि उन लोगों ने उसके साथ दुराचार नहीं किया? ये कैसे तय हो जाएगा डीएनए टेस्ट? मतलब कुल मिलाकर चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं कि जो है उसके जरिए कहीं ना कहीं शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछूंगा, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सिख्या क्रांति काल जी, आपका हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने शानदार स्कूल का टूर करवाऊंगी, आइए। ये हमारा हाईटेक एंड लेटेस्ट क्लासरूम है, इसमें हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो 2 बोर्ड्स भी दिए गए हैं, ग्रीन बोर्ड व्हाइट बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमें एक प्रोजेक्टर भी दिया गया है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेंचेस भी दिए गए। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड, ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा
प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट, यहाँ के गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस देगा। मैं आशा करती हूँ आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अपराध को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने जो है कन्नौज के छेड़छाड़ के जो आरोपी हैं नवाब सिंह यादव, वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, उसको मुद्दा बनाकर आज पूरे दिन अपराध पर हमला बोला है और दो लड़कों की जोड़ी के नैरेटिव को पेश करते हुए ये बताया कि जब से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी हैं, अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी अगर कमजोर पड़ेगी तो अपराध बढ़ेगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपराधियों को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे और अपराध का खात्मा करके दम लेंगे। बहुत सारी राजनीति हो रही है, तमाम मुद्दे हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास एक बार फिर चलते हैं। अश्विनी शाही हैं प्रवक्ता बीजेपी के, यश भारती हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आशीष कोटाडिया हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और आनंद त्रिपाठी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। यश भारती जी, सारे लोगों की बातें आपने सुन ली होंगी, जिस तरह से कन्नौज में नवाब सिंह यादव का नाम आया है और उससे पहले अयोध्या कांड पे जो है मोहित खान का नाम आया था, दोनों नामों को लेकर सियासत जमकर हो रही है। लेकिन यहाँ ये बड़ा सवाल है, जब भी बच्चियों के साथ रेप और छेड़छाड़ के मामले आते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता ही सामने क्यों आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, ये एक नैरेटिव है, क्या कोई सियासत हो रही है, क्या कहिएगा इस पर? जूही सिंह का बयान भी सोच के बोलिएगा, पहले आप लोगों ने डीएनए टेस्ट की मांग की अयोध्या में, अब जूही सिंह ने नार्को टेस्ट की मांग करके कहीं ना कहीं ये सख्त खड़ा करने की कोशिश की है कि लड़की के चरित्र पर, बोलिए। मैं आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाया लेकिन भाव अर्थ समझ गया हूँ, जवाब दे देता हूँ उस बात का। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के ही क्यों लोग निकल रहे हैं, तो आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी कोई ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। आरोप तो बीजेपी ने लगाया है, यश भारती आज कहा है दो लड़कों की जोड़ी, जब से यूपी मजबूत हुई है कोई ट्रेनिंग कैंप लगा रही है, तो वही लोग जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ट्रेंड स्टाफ ले जा रहे हैं एक तरीके से, ये आप कहना चाह रहे हैं? जो राज्यसभा में वोट कर रहे हैं और राज्यसभा में भेजने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लोग, वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं होते? देखिए, किसी के साथ फोटो दिख जाना, किसी के साथ बैठ जाना, उठ जाना, उसको आरोप ही नहीं लगा सकते। अभी पैनल में अश्विनी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं या मैं उनके साथ बैठा हूँ, आनंद त्रिपाठी जी मेरे साथ बैठे हैं मैं उनके साथ बैठा हूँ, हमारा एक परिचय होगा, रास्ते में कहीं मिलेंगे या कहीं व्यवहार होगा, हो सकता है किसी शादी समारोह में, किसी अन्य कार्यक्रम में हम साथ मिले, फोटो हमारे साथ में हो और मैं आपको ये अपराध कर दूं या हम में पैनलिस्ट में से कोई अपराध कर दे या आरोपी बन जाए किसी अपराध के, या आरोपी बन जाए, मैं फिर कह रहा हूं आरोपी बन जाए, उससे हम एक दूसरे को आरोपी नहीं बता सकते। तो ये फोटो की जो राजनीति हो रही है, किसी नेता के साथ किसी की फोटो दिख जाना और उसको आरोपी बताना, अगर हम उस बात पे बात करें तो यही नवाब सिंह यादव को अभी अगस्त के महीने में ही कन्नौज के कलेक्टर और एसपी ने माला पहना के, सर्टिफिकेट दे करके, एक ट्रॉफी दे करके प्रशस्ति पत्र दिया है जिसमें इन्हें एक बहुत बढ़िया नागरिक बताया गया है। तो क्या एसपी कलेक्टर को दोषी मान लिया जाएगा? अपराध घटित हुआ है, एक बच्ची ने शिकायत दर्ज करी है, हम उस पीड़िता के साथ में है, न्याय उचित न्याय मिलना चाहिए उसको, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच ठीक ढंग से हो, किसी भी आरोपी को नहीं बचाया जाए। लेकिन राजनीति करने की दिशा और दशा बदल भी गई है। सुधांशु त्रिवेदी जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति करना चाहते हैं, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिसिंग करना चाहते हैं। तो जैसा भी आनंद त्रिपाठी जी ने कहा कि पुलिस क्या करेगी, तो पुलिस क्या करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाए? जब भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सदस्य
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर न्यायाधीश बना बैठा है और आरोप लगा रहा है तो पुलिस क्या करेगी? हम तो वही सवाल कर रहे हैं जो संवैधानिक चीजें हैं, जो जांचें होती हैं, जांच प्रक्रिया में पुलिस डीएनए टेस्ट करती है, नार्को टेस्ट करती है, स्पॉट पे जाती है, सारी चीजें करती है, साक्ष्य प्रस्तुत करती है कोर्ट में और अपराधी को अपराधी सिद्ध करती है। हम चाहते हैं अपराधी अपराधी अपराध जो उसने किया है उसमें सिद्ध हो, बचे ना, तो ना बचे उसके लिए सही तरीके से जांच होना आवश्यक है। यश भारती जी, हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। यश भारती जी, आधुनिक युग में डीएनए टेस्ट भी है, नार्को टेस्ट भी है, ये सब चीजें पूर्व काल में उपलब्ध नहीं थी। यश भारती जी, आधुनिक युग में उपलब्ध है। यश भारती जी, न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा है, जिसको न्यायाधीश मान्य करते हैं, जिसको न्यायाधीश मान्य करते हैं, हम उस न्याय की मांग कर रहे हैं। यश भारती जी, यश भारती, अगर न्याय की मांग करना अपराध है तो समाजवादी पार्टी अपराधी बनने को तैयार है, अगर किसी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। आप लोग कहते हैं हम पीड़िता, यश भारती जी सवाल सुन लीजिए, आप लोग कहते हैं हम पीड़िता के साथ हैं, अयोध्या में आपने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी, सवाल सुन लीजिए। बच्ची को बचाने के, बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है, चाहे वो अयोध्या में घटित हो, चाहे वो कन्नौज में घटित हो, आ रहा हूं अश्विनी जी, किसी को भी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो साजिश करके बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हो या बच्ची के साथ जो भी घटना घटित हुई है। भाई अयोध्या में भी हमने यही बात कही, पुलिस कप्तान को 3 दिन पहले एक आवेदन दिया गया था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी पुलिस कप्तान ने, हम तो इस बात को भी कह रहे हैं। यहाँ हम ये भी बात कह रहे हैं कि नवाब सिंह के साथ में क्यों भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष गया बचाने के लिए, क्या करने गया था, क्यों पैरवी करने गया नवाब सिंह की, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी करे कार्रवाई। और जो हिमांशु त्रिवेदी, जो सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को मिसगाइड कर रहे हैं और इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इशू ऑलरेडी है, आप न्याय दिलाइए पीड़िता को। इनके सांसद मालिश करते हुए वीडियो दिखाया जाता है, कैसे बच गए पीड़िता के, कैसे बच गए जब सबने वीडियो फोटेज देखा। इनके सांसद, इनके विधायक कुलदीप सेंगर किस हद तक जाना पड़ा, मुख्यमंत्री से मिलते हैं और प्रेस मीडिया को हाथ हिलाते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा किसने नहीं देखा, सबने देखा है। इनके इनके एक वित्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में रहे, पूर्व सांसद हैं राघव जी, वो अपने नौकर के साथ अप्रकृत कृत्य करते हुए पकड़े गए, वीडियो फोटेज सबके सामने, लेकिन न्याय प्रक्रिया में न्याय नहीं मिला पीड़िता को, जांच ठीक ढंग से नहीं हुई, तो आज घूम रहे हैं, निष्पक्ष हो गए। तो हम तो वही चाहते हैं, अगर फोटो वीडियो सारे अपराध जिसने भी किए, हम इस पीड़िता के साथ साथ अन्य लोगों के साथ भी हैं, ठीक तरीके से जांच होकर के सजा दिलानी चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति खराब है। आज नवाब सिंह के पीछे समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी, आज नवाब सिंह के पीछे कन्नौज के विधायक असीम अरुण खड़े हुए हैं, आज नवाब सिंह के पीछे तत्कालीन सांसद सुब्रत पाठक खड़े हुए हैं, आज नवाब सिंह के पीछे कन्नौज के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष खड़े हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखाई देती है। क्यों बुलडोजर नहीं चला रहे हो? ठीक है, क्यों बचाओ? ठीक है यश भारती, ठीक है, आपकी आवाज आ रही, ठीक है, तो बुलडोजर वाली थी, ठीक है, कहां चला गया बुलडोजर? ठीक है यश भारती, ठीक है, ठीक है। जो महिला फोटो में दिखाई दे रही है वो कह रही है कुछ, उसकी भी बात सुन लीजिए। तो जो भी पक्ष आ रहे हैं इसी तरीके से न्याय हो, समाजवादी पार्टी न्याय दिलाने के लिए साथ खड़ी है, न्याय मिलना, ठीक है। आप आरोपी के साथ भी हैं, आप जो है पीड़ित के साथ भी हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी राजनीति। अश्विनी जी बोलिए, बोलिए अश्विनी जी, अश्विनी शाही जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक हो जा रही है बीच में, बोलिए बोलिए जी। देखिए अभी हमारे कांग्रेस के एक मित्र जो है बहुत बड़े बड़े शब्दों का, भारी 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 भरकम शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा जी का एक भी ट्वीट नहीं आया। राहुल गांधी जी जो हर जगह कूद कर पहुंच जाते हैं, ये अच्छा है, नेता है, एलओपी है, पहुंचना भी चाहिए, मगर क्या इस कांड पर भी बोलना चाहिए या अयोध्या कांड पर भी तो कुछ बोलना चाहिए? लेकिन वहां से उनके मुंह सिले होते हैं। यश भारती जी ने बहुत लोगों का नाम लिया। देखिए मैं अखिलेश यादव जी का बयान, इनके आने के पहले मैंने कहा था कि उन्होंने गायत्री प्रजापति को कहा सजा याफ्ता होने के बाद कि उनके साथ अन्याय हुआ, और इन्होंने जो उन्नाव की घटना का हमारे विधायक का कहा, जब 19 में वो कन्विक्टेड हो जाते हैं, हमने उनसे नाता तोड़ लिया, हमने ऐसा नाता नहीं रखा, ना हमने बचाव का कोई एक चीज हो तो ये दिखा दे कि हमने बचाया हो, अगर आरोपी हुए कन्विक्टेड जैसे हुए हमने खत्म कर दिया नाता। इन्होंने तो कन्विक्टेड होने के बाद,
नहीं थोड़ा सा सुन लीजिए, मैंने आपको भी सुना है, सवाल किया ना, बता दे, आपने कहा तो मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं तो थोड़ा सा सुन लीजिए फिर इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा आज आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है चैनल के। तो इन्होंने अखिलेश जी ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, क्या फांसी दे देनी चाहिए? यानी कि पूरी समाजवादी पार्टी, आजम खान ने, मैंने यश भारती जी आप नहीं आए थे, मैंने उदाहरण दिया, फिर से दोहरा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं दर्शकों से, रमा देवी जो सदन में क्या कहा आजम खान ने, जया प्रदा जी के लिए क्या कैसे क्या किया, ये सब भूलने वाली चीज नहीं है। हाथरस में तो किस तरीके से कूद कर जा रहे थे ये लोग, और आज जिस तरीके से यश भारती जी या जूही सिंह, एक महिला का बलात्कार होता है, एक बच्ची का बलात्कार होता है, एक व्यक्ति करता है, लेकिन इस तरीके के बयानों से रोज बलात्कार होता है उसका, उसका दोषी कौन है? जूही सिंह आपकी महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने इस तरीके से कहा, इतना घृणित बयान दिया कि 12 बजे रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी। अखिलेश यादव जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, कहते हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अब जो विक्टिम हो उसी का नार्कोटेक्स, उसी का जो है डीएनए टेस्ट, यही कराने का समाजवादी पार्टी ने ठेका ले रखा है। और मोहित खान को आप लोगों ने पार्टी में रखा, इनको पल्ला झाड़ दिया कि सुब्रत पाठक जी जाने, सुब्रत पाठक जी ने स्पष्ट रूप से कहा है आपका बस्ता ढोता है वो आदमी, और मैंने पत्र दिखाया। यश भारती जी मैं फिर से पढ़ देता हूं ये पत्र, जानते हैं अभी 25 तारीख को जुलाई जो बीती है, 25 एक महीना नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र चौधरी जी ने जारी किया है, और अविनाश मेहरोत्रा जी कह रहे हैं 5-7 साल पहले निकाल दिया गया था 2021 में। अखिलेश जी का पत्र हमारे पास है, हमारे पास है, लिखा है, नहीं नहीं बता तो दो, आप जो बता रहे हैं मुझे मालूम है, मैं जवाब दे दूं, आपने तारीख बताई ना, हमने तारीख बताया 2021 का, मुझे मालूम है, मैं जवाब दे दूं, शाबाशी दिया है, तो पूरा बोलने दीजिए ना आप लोगों को, थोड़ा सा तो कम से कम इन चीजों पर आप बताइए, जवाब दे दे तो जवाब नहीं सुनना चाहते हो आप, सवाल तो सुन लो अंत में, क्या जूही सिंह फैलाना चाहते हैं केवल आप, सनसनी तो जूही सिंह ने फैलाया, क्या जूही सिंह ने सही जवाब दिया है, इस पर जवाब दे दीजिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, सुनिए, ठीक है बोलिए यश भारती बोलिए। देखिए सबसे पहला आरोप श्रद्धेय नेताजी के बयान को लेकर के आए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हर घटना से जोड़ते हैं, श्रद्धेय नेताजी मोदी जी के सदन में तारीफ करते तो श्रद्धेय नेताजी को वाहवाही करने लगेंगे, पर श्रद्धेय नेताजी के कोई दूसरा बयान जो इनको सूट नहीं करता है उस पर ये तीरंदाजी करने लगते हैं और बड़े निशानची बनते हैं। तो जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे श्रद्धेय नेताजी हैं, आपने भी उनको पुरस्कृत किया, आपकी सरकार ने पुरस्कृत किया उनको, उनके अच्छे कामों के कारण किया, अब आप उन्हें निशाना बनाना चाहते हो, तो दिवंगत नेता को जिनको आप भी सम्मानित करते हो, सदन में वाहवाही करते हो उनके कामों की, उनकी बातों की, और अब आप उन्हें आरोपी कर रहे हो, कटघड़ा में खड़ा करते हो, उनका चरित्र हनन करते हो, तो ये तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। दूसरी बात, अब आप कह रहे हैं जूही सिंह जी की बात, जूही सिंह जी जो बात कह रही हैं वही तो जांच का विषय है ना, कि आखिर बच्ची रात में पहुंची कैसे, कौन लेके गया, घटनाक्रम क्या है, वही तो जांच की हम बात कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। तीसरी बात, आप जिस लेटर की बात कर रहे हैं, लेटर में कौन सी प्रशंसा हो रही है, लेटर को ठीक ढंग से पढ़िए, उसमें कहीं लिखा है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी उसका जवाब दिया गया है, उनके घर में घटना घटी उसके लिए बात लिखी गई है उसमें, लेकिन आप सनसनी फैलाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं, आपने कहा कि अखिलेश यादव जी कुछ नहीं कह रहे, तो यानी सत्ता इतनी निरंकुश हो गई है, सत्ता इतनी मैं शब्द नहीं कहना चाहता लेकिन आप मुझे मजबूर कह रहे हैं, सत्ता इतनी पंगु हो गई है कि जब विपक्ष कुछ कहेगा तब काम करेगी, जब विपक्ष कुछ कहेगा तब जांच होगी, विपक्ष जब कुछ कहेगा तो पीड़ितों को न्याय मिलेगा। आपने हाथरस घटना की बात करी, हाथरस घटना में आप सनातनी होने का ढोंग करते हो, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हो, सर्टिफिकेट बांटते हो लोगों को हिंदू धर्म का, उनके सनातनी धर्म में मिट्टी के तेल और टायर से, रबर के टायर से जलाने का अंतिम संस्कार करने की प्रथा है क्या, और परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार से वंचित रखना ये प्रथा है क्या? आपकी पुलिस ने उस बलात्कार की पीड़िता बच्ची को जब हत्या हो गई उसकी, तो उसका अंतिम संस्कार करने से परिवार को वंचित कर दिया, मिट्टी के तेल और टायरों से जलाया उसको, और जब विपक्ष न्याय की बात करने लगा तो आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, और उस घटना की आप पुनरावृत्ति करते हो, दोबारा याद दिला रहे हो उसको, अपनी शर्मसार होने वाली घटना पे जिस पे आपको शर्म आनी चाहिए, आप बड़ा चौसीना चौड़ा करके दोबारा दोहराने की हिम्मत कर पाते हो, कैसी हिम्मत लाते हो ये सारी? हम यही तो कह रहे ना
जो कमल आपका कीचड़ युक्त है उसमें यही चीज जवाब दे दो। ठीक है, यही कीचड़पन है। यस जी जवाब ले लीजिए, यस जी जवाब ले लीजिए। हर पीड़ित के साथ में खड़े हुए, न्याय की बात कर रहे हैं आप, न्याय दिलाइए, हम उसके साथ में खड़े। ठीक है, जवाब ले लीजिए। यस भारती जी, आपने जो दो पत्रों का जिक्र किया ना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव की माता जी, तो ये है 25 तारीख का, राजेंद्र यादव जी के दस्तखत से ये पत्र जारी किया गया है। आपके वरिष्ठ नेता बताया, वरिष्ठ नेता लिखा, उनकी माता जी शांत हुई, उसमें संतावना दी है। आप तो राजनीति कर रहे हो ना, किसी के दुख में उस समय तो अपराधी नहीं थे अश्वनी जी, उस समय अपराधी थे क्या? लेकिन तो फिर रविदास मेहरोत्रा जी हर राष्ट्रीय चैनल पर गला क्यों फाड़ रहे हैं कि 7-8 साल पहले उनको निकाल दिया गया था? ये क्या है भाई, कहां लिखा है वरिष्ठ नेता? वरिष्ठ नेता शब्द लिखा है, आप भी तो नेता है। एक मिनट सुन लीजिए, सब मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूं। देखिए प्रिय नवाब सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी को मजबूत कराने बनाने के लिए आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। हमें विश्वास है आगे भी समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आप काम करते रहेंगे। आपका अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव की चिट्ठी है, तारीख बताइए। 2021 का है भाई, 3 साल हुआ है, वो कह रहा था पहले निकाल दिया गया उनको। 2021 है ना, अभी का तो नहीं है ना, पार्टी से निकाल दिया बात कह रहे हैं तो मान रहे हैं ना। तो रविदास जी नहीं, रविदास जी कह रहे हैं 5 साल पहले, अभी 2-3 साल हुआ तो उनको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। आप दिन और समय मेहनत गिन रहे हैं, सुन लीजिए। दूसरी जो, अरे देखिए हम लोग अगर ऐसे, यानी कि आप आज भारती जी बौखला रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ मामला है। आपने जूही सिंह के बयान को सही ठहराया, आपने कहा जूही सिंह ने सही बयान दिया, हमें जांच करना है। एक लड़की के साथ ये काम हो रहा है और उसका चरित्र हनन कर रही हैं आपकी महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता आपकी, और आप कह रहे हैं कि उसको सही कर रही है, तो अच्छा चरित्र है, समाजवादियों का अच्छा चरित्र है, यही करते रहिए। ठीक है, और नेताजी हो या कोई भी हो, दिवंगत हो गए, लेकिन उनके जो है कोर्ट दिवंगत लोगों के ही याद रखे जाते हैं भाई भारती जी, दिवंगत लोगों के ही कोर्ट। ठीक है अश्वनी जी, ठीक है, और माननीय नेताजी का कोर्ट वो आज नहीं 100 वर्षों बाद भी याद किया जाए। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा। ठीक है अश्वनी जी, अब अश्वनी जी मुझे ये बता दीजिए, जब समाजवादी पार्टी कह रही है कि उस आदमी से हमारा कोई लेना देना नहीं, यानी पीड़िता के साथ खड़ी है ना, उस आदमी के साथ तो नहीं खड़ी है? लेकिन नार्को ट्रस्ट की मांग तो फिर भी कर रही है ना। जिला अध्यक्ष कन्नौज का थाने में क्या करने गया था नवाब सिंह के लिए, इस पे जवाब दे दीजिए। कोई नवाब सिंह के लिए नहीं गया था, ये झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ फैला रहे हो, झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ, ये झूठ फैलाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यस जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। यस जी, यादव को तो निकाला है अपने, चलिए यादव को पार्टी निकाल दिया, अयोध्या कांड वाले को क्या किया, उसकी राजनीति करनी। ठीक है, इस भारतीय और भी साथी जुड़े हुए हैं। यस जी, बदनाम करना आपको, यस जी, यस जी, और भी लोग जुड़े हुए हैं। यस जी, सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ आनंद त्रिपाठी जी। आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरह से बार बार घटनाएं हो रही हैं और बार बार समाजवादी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व माने जाते हैं, आपको लगता है कि ये यूपी उपचुनाव जो है होने वाले उसके चक्कर में बीजेपी कर रही है? ठीक है, यस जी, यस जी, यस जी, यश भारती आपकी बात आ गई है, बोलने दीजिए बाकी लोग को। यश भारती बाकी लोग को बोलने दीजिए, आपकी बात आ गई है। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। उस महिला की क्या भूमिका है, उसकी बच्ची की दादी की क्या भूमिका है, 6 घंटे रहने के बाद भी टेस्ट? अब आपने तो बच्ची को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो जांच तो हो ही, जांच तो हो रही है। आप लोग मीडिया में सब जांच कर लीजिएगा, पुलिस को भी तो कुछ करने दीजिए ना। यहाँ भी नार्को टेस्ट की मांग कर दी, आप लोग पीड़िता के साथ खड़े हैं, वाह भाई वाह, उसका चरित्र हनन कर रहे हैं और पीड़िता के साथ खड़े हैं आप, क्या है भारती जी? ठीक है, पार्टी चरित्र हनन भी करे और उसके साथ भी खड़े हैं आप। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, इस मामले को आधार बना के दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं, अपने वोटों को मजबूत कर रही हैं। अपराध है, नार्को टैक्स व्यवस्था है, कुछ करती रही है समय समय आपके समय में, आपके समय में यश भारती जी कितने डीएनए टेस्ट आप लोगों ने कराए थे, जरा बता दीजिए हमको।
जांच होनी चाहिए। आपने कितने कराए थे? आपने अपने समय में अपनी सरकार में गायत्री मंत्र जब पढ़ रहे थे उन्हीं की बात ले लेता हूं। गायत्री मंत्र वाले का उस लड़की का डीएनए टेस्ट कराया था आपने? नार्को टेस्ट कराया था आपने? बताइए कितना कराया था आपने? प्रजापति का परिवार स्मृति ईरानी जी के लिए वोट मांगता है तब उसमें गायत्री प्रजापति और उनका परिवार अपराधी नहीं। लेकिन वो पहले पीछे जाइए, आज आज छोड़िए, पीछे जाइए। कोई बात चाहिए तो अपराधी चरित्र नहीं होना चाहिए अश्विनी जी, इसमें थोड़ा सा शर्मसार होना चाहिए हमको। इस भारती जी ठीक है, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। आनंद त्रिपाठी जी इस पे क्या सियासत, थोड़ा समझाइए जरा। आनंद त्रिपाठी के साथ अगर गलत हुआ उसको न्याय दिलाइए। राजनीति की रोटी अमर सोखी है, ये सनसनी मत फैलाइए। आप सरकार में सत्ता में आपकी जिम्मेदारी है। अरे भाई एक ही बात बोलते रहेगा यश जी, क्या एक ही बार 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 बोलते रहेगा, बाकी लोगों को बोलने दीजिएगा क्या? यश जी थोड़ा शांत हो जाइए। आशीष कोठारी आपको आवाज आ रही है? आशीष कोठारी आपको आवाज आ रही है? लगता है आवाज। आनंद त्रिपाठी जी आपको आवाज आ रही है? आज नवीन जी आपकी आवाज में ही गड़बड़ हो रहा है। आनंद त्रिपाठी जी लगता आनंद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं एकदम पहुंच रही है। आनंद जी बोलिए, आपका नंबर है। मेरे से कह रहे हैं? मेरे से? जी बोलिए। क्या मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से आपने सुना दोनों प्रवक्ताओं की बातें, आपको लगता है कि राजनीति जो है पूरा खेल यूपी उपचुनाव के लिए सजाया जा रहा है? अपना विश्लेषण करिए आनंद भाई। अब देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी आपको डायरेक्शन देंगे। जब नवीन भाई, नवीन जी की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज में कुछ दिक्कत लग रहा है, अब तक पहुंच नहीं रहे, डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। हाँ। मैंने आनंद जी को कहा कि अपना विश्लेषण कर लीजिए, इसमें भी गलत हो गया। मैं शिक्षा में वो हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, अपना विश्लेषण देंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है बोलिए आनंद जी। देखिए मेरा इन सब मसलों पर बहुत देर से मैं सुन रहा था, दोनों सम्मानीय प्रवक्ताओं को अपने अपने पक्ष रख रहे थे। दोनों लोग इस बात पे तो सहमत है कम से कम कि जो पीड़िता है उसके प्रति न्याय उसको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो समस्या बस यहाँ ये है कि अपराधी किसके साथ खड़ा है ये दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें देखिए छोटी छोटी बातें हैं, जैसे बात ये अभी आई कि जो एक और महिला साथ में थी उनका क्या, उनका उनका वर्जन भी सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उन्होंने भी बताया, उन्होंने ये बताया कि उस बच्ची ने थोड़ी देर के लिए वो कमरे से बाहर थी, उस दौरान क्या हुआ उस बच्ची ने उनको बताया और वो उन्होंने कैमरे पर बताया है। वो अपने आप को उस बच्ची की बुआ बता रही थी, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्शनेबल है जैसा उन्होंने बताया कि उस बच्ची ने उनको ऐसा बताया, तो उन्होंने कहा अपनी माँ से बात कर लो इस बारे में। और देखिए बहुत सारी इस तरह की बातें हैं, ऐसे अपराधी तत्वों को हम सबको मिल करके समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। न्यायालय तो जो उन्हें न्याय दे, उनके प्रति जो अपराध उनका है उसको उसके प्रति सजा दे वो बात है, लेकिन एक 15 साल की बच्ची उसका पूरा जीवन है, बहुत अबोध है, उसे नहीं समझ है। उसमें जो वो लोग भी दोषी हैं जो रात को 11:30-12 बजे के आसपास ऐसी ऐसी सुनसान जगहों पर लेकर के जाते हैं, वो दोषी हैं जो ऐसे लोगों को बुलाते हैं। महिलाओं को रात में अकेले बुलाना ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, ये इसे बचा नहीं जा सकता इस तरह से। सुनसान अकेले में बुलाना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए पुलिस को और उत्तर प्रदेश सरकार को, इस पूरे मसले को, अयोध्या वाले मसले को, इस वाले मसले को। मैं यश भारती जी से आग्रह करूंगा कि वो लोग इस कानून के मसले में अभी डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट का फैसला अंत में कोर्ट करता है और उसमें भी सहमति लेकर के करता है, तो हम इसकी मांग इतनी शुरुआती स्टेज पर ना करें वो ज्यादा बेहतर होगा। उससे लगता है कि हम कहीं ना कहीं बचाव में खड़े हो जाते हैं, तो बेहतर है कि हम बचाव में क्यों दिखें डीएनए टेस्ट की मांग करके, नार्को टेस्ट की मांग करके। हम कहें कि आइए जांच करिए, देखिए डीएनए टेस्ट हो या नार्को टेस्ट। आदरणीय आनंद जी बस एक छोटी सी लाइन, हमारी तो खामोशी में भी राजनीति हो रही है कि बोल क्यों नहीं रहे। नहीं नहीं खामोश है तो भी भारतीय जनता पार्टी हमें दोषी करार दे रही है, हमारा नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट कर डाल रही है। नहीं नहीं देखिए खामोशी पर सवाल उठे वो सह लेना चाहिए, लेकिन
बोल करके सवालों को आमंत्रित करने से बचना चाहिए, मेरा मानना यह है। तो अगर बेहतर होता समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो अयोध्या में डीएनए टेस्ट की मांग नहीं करता, उससे कुछ साबित नहीं होने वाला है। मैं सच बता रहा हूं, अगर उस लड़की ने आरोप लगाया है तो वो आरोप परसिस्ट करते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी साबित हो ना हो, ये परसिस्ट करेंगे आरोप उसके बावजूद भी। यहां उसने कहा, उस बच्ची ने फोन करके पुलिस को बुलाया है, ये अपने आप में बड़ा अपराध है और इस ये हीनियस क्राइम्स की स्थिति में है। और हम लोगों को इस पर विवाद करने से बचना चाहिए कि वो किसके साथ खड़ा है किसके साथ नहीं खड़ा है जिसके ऊपर आरोप लगा है। पुलिस जांच करेगी, अदालतें हैं जांच करेंगी, और हम सबको मिलकर के ऐसे अपनी बच्चियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी प्रेस वार्ता कर रही है। नहीं, वो आप लोग भी करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिये, उसे प्रेस वार्ता करके ऐसी सनसनी फैलाने वाला काम पुलिस जांच से पहले, मैंने कहा ना राजनीति की शुरुआत तो संसद में हो गई जी। राजनीति बहुत बहुत ज्यादा राजनीति हो रही इस पूरे मसले पर। अखिलेश जी जो इतनी बड़ी सफलता लेकर के गए, वो ये कहते हैं सभापति को कि आपको भी संरक्षण की जरूरत है। ये बातें राजनीति की हो रही है, फिर तो फिर राजनीति दोनों तरफ से हो जाता है। ठीक है आनंद जी, ठीक है, बेहतर ये हो कि घटना के ऊपर कभी भी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने राजनीति नहीं करी है। ठीक है, ठीक है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं और उस पर जो है कोई ना कोई सियासी एंगल सामने आ रहा है, तो इस पर उपचुनाव तक लगातार राजनीति होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।